नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल न्यूज स्टडी पॉइंट में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैट्रिक इंटर छात्रों के लिए यहाँ पर रिजल्ट से लेकर बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर आप लोगों को। तो रिजल्ट कब जारी किया जा रहा है आप लोगों को, आज की इस वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बता दिया जाएगा। साथ ही साथ किस वेबसाइट पर सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को रिजल्ट अपलोड किया जाएगा, किस तरह से यहाँ पर चेक करना है, सारा इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में यहाँ पर आप लोग को क्लियर कर दूंगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बगल लाल रंग में अगर सब्सक्राइब दिख रहा है तो सब्सक्राइब कर बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि इंटर का रिजल्ट की प्रक्रिया अंतिम चरण पर। यहाँ पर आप लोग को इंटर की रिजल्ट की प्रक्रिया यहाँ पर अंतिम चरण में पहुँचा हुआ है। साथ ही साथ मैट्रिक वाले छात्रों के लिए भी मैं बताऊँगा कि आप लोग के रिजल्ट की क्या प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आप लोग को लिए यहाँ पर फायदेमंद होगा। तो जैसा कि देख रहे हैं, बोला गया है बिहार बोर्ड द्वारा जो नोटिफिकेशन आया, इसमें बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर का रिजल्ट की तैयारी करने में लगा हुआ है। रविवार की इंटर व मैट्रिक के मूल्यांकन में जुड़ा कोई काम नहीं हुआ। बोर्ड ने 31 मार्च से पहले रिजल्ट की फाइनल करने में लगा हुआ है। रिजल्ट की तैयारी चल रही है। मैट्रिक की कॉपियों को मूल्यांकन 25 तक समाप्त करने का, मार्क्स अपलोड करने को किया जाएगा। इंटर का रिजल्ट निकालने की प्रक्रिया अंतिम चरण पर है। यहां पर जैसा कि देख सकते हैं, इंटर वाले स्टूडेंटों को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग के रिजल्ट की जो प्रोसेस है यहाँ पर अंतिम चरण में पहुँचा हुआ है। आप लोग को जो रिजल्ट है इस बार आप लोग को मार्च में ही जारी किया जाएगा। जैसा कि आज आप लोग को 23 मार्च यहाँ पर हो गया है। साथ ही साथ आप लोग को 31 मार्च से पहले यहाँ पर आप लोग को रिजल्ट घोषित करने के लिए बिहार बोर्ड पूरी तरह से यहाँ पर जुड़ चुका है। साथ ही साथ मैट्रिक वाले छात्रों के लिए यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, आप लोग की कॉपियों को मूल्यांकन 22 मार्च तक समाप्त करना था, लेकिन यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन को लेकर यहाँ पर आप लोग को डेट को बढ़ा दिया गया, यहाँ तक 25 मार्च तक कर दिया गया है। क्योंकि आप लोग को रविवार के कल पूरे देश में, जैसा कि जान रहे थे कि पूरा जनता कर्फ्यू लागू हुआ था, जिसके कारण से यहाँ पर कॉपियों को मूल्यांकन नहीं समाप्त हुआ। आप लोग को 25 तक कॉपियों को मूल्यांकन पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाएगा, और आपको रिजल्ट जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में यहाँ पर घोषित किया जाएगा। साथ ही आप लोगों को इंटर वाले के रिजल्ट की प्रोसेस यहां पर लास्ट चरण में है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही जैसा कि आज जान रहे हैं कि पूरा देश में यहाँ पर कोरोना वायरस को लेकर बहुत बड़ी यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है, सभी प्रकार के यहाँ पर आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट में, और इस तरह से कॉपियों को मूल्यांकन में बिहार बोर्ड की किसी प्रकार की त्रुटि न रहे, इसके बावजूद भी यहाँ पर कर्फ्यू लागू होने के बावजूद भी कॉपियों को मूल्यांकन की प्रोसेस थोड़ा धीमा हो रहा है, लेकिन कॉपियों को मूल्यांकन सही ढंग से किया जा रहा है, ताकि आप लोग को किसी प्रकार की परेशानी न हो। साथ ही साथ आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि इस बार का रिजल्ट भी है जो बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छा आने वाली है, क्योंकि बिहार बोर्ड जिन त्रुटियों के कारण यहाँ पर रिजल्ट में गड़बड़ी होती थी, उन त्रुटियों के यहाँ पर सुधार कर लिया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि मैट्रिक इंटर का रिजल्ट जो है इस बार बहुत ही बेटर आएगा। और आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बगल वाले घंटी को भी प्रेस कर ले, ताकि रिजल्ट के बाद आप लोग को किस प्रोसेस से यहाँ पर आप लोग को एडमिशन लेना है, साथ ही साथ किस तरह से आप लोग को तैयारी करना है 11th वाले के लिए, और जो 12th पास हो गए वैसे स्टूडेंट को किस प्रकार की तैयारी करना, सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आप लोग को दिया जाएगा। तो छोटा सा नोटिफिकेशन था आप लोग के लिए, जान लेना बेहद ही जरूरी था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।